हेलो दोस्तों, एचवीएम आप सीएल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लाइन टू यूएसबी कौन सा केबल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि लाइन टू यूएसबी कौन सा केबल लेना है। क्या होता है कि आजकल कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, उसका जो है लाइन जो पोर्ट होता है वो खराब हो जाता है, तो सही से वर्क नहीं करता है। या आपको अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें जो है लाइन का पोर्ट ही नहीं दिया रहता है, तो उसके लिए हमको जो है यूएसबी लाइन जो है यूएसबी में कन्वर्ट करता है, तो यूएसबी टू लाइन हमको लेना पड़ता है। तो आप हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कौन सा लेना है। तो देखिए दोस्तों, दो तरफ के होते हैं, एक गीगाबाइट होता है, एक मेगाबाइट होता है, और 2 पॉइंट का यूज भी होता है और 3 पॉइंट का यूज भी होता है। तो हमको क्या रहा है, 3 पॉइंट का लेना है। 2 पॉइंट लेने पे जो है कभी कभी जो है स्पीड में स्लो आता है, और 3 पॉइंट जो होता है वो बेहतरीन वर्क करता है। और जो है गीगाबाइट और मेगाबाइट जो होता है, अगर आप गीगाबाइट लेते हैं तो आप जो है 1000 Mbps तक जो है उसमें वो सपोर्ट करता है, और आप उसको 1000 Mbps तक भी चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो मेगाबाइट होता है उसको आप लेंगे तो सिर्फ वो 100 MB तक के लिए ही बना है, और 100 MB के ऊपर डाटा जो है रिसीव नहीं कर पाएगा जो है। तो इसीलिए हमको जो है मेगाबाइट नहीं लेना है, गीगाबाइट लेना है, और 2 पॉइंट नहीं लेना है, और 3 पॉइंट लेना है। तो हम आपको दिखाते हैं, एक मैंने एक लाइन टू जो यूएसबी टू लाइन था मैंने एक केबल लिया हो, तो मैं आपको उसको दिखाता हूं, और आपको मोबाइल में भी कनेक्ट करके दिखाता हूं, और अपने पीसी में भी कनेक्ट करके दिखाता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, यहां पे टाइप C3 USB 3.0 और इथरनेट एडाप्टर है, जो 10 MB, 100 MB और 1000 Mbps तक सपोर्ट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आप लाइन केबल लेते हैं तो उसमें इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए गीगाबाइट इथरनेट एडाप्टर लिखा रहेगा, नहीं तो मेगाबाइट लिखा रहता है। तो जो गीगाबाइट होता है वही 1000 Mbps तक सपोर्ट कर पाएगा, अगर मेगाबाइट रहेगा तो नहीं सपोर्ट कर पाएगा। तो मैंने यही जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जो है देख सकते हैं या वहां से भी खरीद सकते हैं। तो यही है, तो चलिए मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इसके अंदर जो है, एक देखिए ऐसा जो है एक केबल रहेगा, तो जो है ये देखिए यहाँ पे ब्लू पॉइंट बना रहता है, इसको जो है हमको लैपटॉप या मोबाइल में लगाना है। और इधर देखिए जो है लाइन लगाने के लिए यहाँ पे बना है, और लाइन लगने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों दो जो है बल्ब लगे रहते हैं, जो है एलईडी बल्ब। जब आपका इथरनेट उसमें कनेक्ट हो जाएगा, आपका लाइन जब इसमें आप लगाएंगे, अगर सक्सेसफुल कनेक्ट होता है तो ये लाइट जो है ऑन हो जाती है। तो चलिए हम अपने मोबाइल में इसको लगा के दिखाते हैं। देखिए जैसे मेरा ये टेंडा का राउटर है, मैंने एक यूएसबी और ये जो देखिए लाइन केबल मैंने उसमें लगा दिया है, और दूसरा इंड ए है। तो इसको जो है हम अपने जो हमने लाइन टू यूएसबी कन्वर्टर मंगाया है तो इसमें लगा देते हैं, और दूसरी तरफ हमको क्या है अपना जो है मोबाइल में लगाने के लिए ओटीजी केबल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके मोबाइल में लगा के हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जो है कनेक्ट कर दिया है, उसमें देखिए ये लाइट जो है ऑन हो गई है, और इसको मैंने मोबाइल में अपने कनेक्ट कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए मैंने इसका जो है वाईफाई बंद कर दिया, उसके बाद इसमें जो है मोबाइल डेटा जो है वो भी बंद है। तो हम आपको इसमें जो है स्पीड टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि कितना स्पीड जो है कैच कर पाता है। तो देखिए, लेकिन जितना आपका प्लान रहेगा उसी हिसाब से आपका स्पीड टेस्ट भी दिखाएगा। मैंने जो है यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर खोल लिया है, क्रोम ब्राउजर में मैंने इसको डेस्कटॉप साइट के मोड पे रख दिया है। तो हम अपने स्पीड टेस्ट की साइट पे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए गो लिखा दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पे गो पे क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद आपका जो स्पीड टेस्ट दिखाई देगा। जब देखिए जब आपका वो लाइन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है, जो आपका लाइन कनेक्ट हुआ है उसका जो है एक सिंबल है। दोस्तों, ये डाउनलोडिंग का स्पीड है हमारा, और इसके बाद जो है अपलोडिंग का स्पीड आएगा, क्योंकि इनके सर्वर में इशू होने की वजह से थोड़ा सा जो है स्पीड डाउन हो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग हो गया, अब इसके बाद अपलोडिंग इसके बाद जाएगा। तो अपलोडिंग आप देख रहे हैं जो है, ये आपको जो है मोबाइल में कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे एक ऊपर सिंबल भी बना है जो लाइन कनेक्ट है उसका। तो अब इसके बाद हम आपको अपने पीसी में भी कनेक्ट करके दिखाते हैं, पीसी में कैसे कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको, जो यूएसबी पोर्ट आपका बना हुआ है वो लाइन आपको इसमें लगाना है। उसके लगाने के बाद ये यूएसबी पोर्ट आपको जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसमें जो है कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद देखिए मैं आपको अपने स्क्रीन का दिखा दे रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल आपको खोलना है, उसमें बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन होगा
नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चेंज एडाप्टर सेटिंग, तो हमको चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये जो है जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसका जो रहता है उसको मैंने डिसेबल किया है। मैंने दूसरा जो लगाया है उसका देखिए एसी यही आ रहा है, 3.0 GB का है। तो यहाँ पे देखिए इथरनेट 2 करके है, तो ये देखिए हमारा कनेक्ट हो गया है। उसके बाद हम आपको जो है आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे भी स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने स्पीड टेस्ट पे क्लिक किया, तो आपको जो है ओकला से हम आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जो है डाउनलोडिंग स्पीड दिखा रहा है करने के बाद, उसके बाद जो है अपलोडिंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर पिंग शो करेगा, डाउनलोडिंग स्पीड दिखाएगा, फिर उसके बाद अपलोडिंग स्पीड दिखाएगा। तो यहाँ पे जो आपको जो है मोबाइल में देखने को मिला सेम स्पीड आपको इसमें भी देखने को मिला, क्योंकि वाईफाई से इतना आप जो है जब आप डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे तो आपको इतना स्पीड नहीं मिलेगा जितना आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट कर सकते हैं।